नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आरसीबी टीम को केकेआर के हाथों उनके 8वें मैच में हार झेलनी पड़ी है। वैसे में दोस्तों, आरसीबी टीम जो है अपना नवा मुकाबला हर हाल में जीतना चाहेगी, हर हाल में इस मैच को जीत करके अपनी प्लेऑफ में क्वालिफाई की उम्मीदों को बरकरार रखना चाहेगी। यहाँ से भाइयों, आरसीबी टीम को केवल 2 या 3 मैचेस जीतने हैं। अभी फिलहाल उनके 5 मैचेस बचे हुए हैं, हर टीम को 14 मुकाबले खेलने होते हैं। अब इन 5 मैचों में से अगर आरसीबी टीम जो है कुल 3 मुकाबले भी जीत जाती है तो आरसीबी जो है कंफर्म प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएगी और उनके कुल 16 अंक हो जाएंगे। इस तरह से दोस्तों, आरसीबी टीम यही चाहेगी कि प्लेऑफ के लिए इस बार क्वालिफाई किया जाए और पहली बार चैंपियन बना जाए। तो इस वीडियो में आगे हम बात करने वाले हैं कि आरसीबी टीम का अगला मैच किसके साथ होने वाला है और क्या चेंजेस आरसीबी टीम में यहाँ पर हो सकते हैं अगले मुकाबले के लिए, कौन कौन से बड़े बदलाव वो कर सकते हैं टीम में। यही सारी बातचीत हम खुलकर विस्तार से आगे इस वीडियो में करेंगे। तो भाइयों, अगर आप भी आरसीबी टीम के फैन हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। मुझे दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हो तो इसे याद से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि ऐसे ही डेली अपडेट्स आप तक हमेशा पहुंचती रहे। वहीं दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली आरसीबी को यदि ज्वाइन नहीं किए हो तो उसे भी आज से ज्वाइन कर लीजिए। वहां भी आपको आरसीबी टीम से जुड़ी और क्रिकेट की हर एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिलती रहती है। तो भाइयों, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, फटाफट जाकर वहाँ पर उससे भी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो को स्टार्ट करें, इस बार जो है मैं फैंटेसी क्रिकेट आईपीएल में खेलने वाला हूँ एमपीएल ऐप पर, जहाँ पर आप भी ज़रूर खेलिएगा। मेरे एमपीएल पर खेलने के 3 कारण हैं। फैंटेसी क्रिकेट के इतिहास में पहली बार एमपीएल ने सीजन पास निकाला है, जिसे लेते ही आप लोग करोड़ों के ग्रैंड कॉन्टेस्ट डिस्काउंटेड एंट्री में ज्वाइन कर सकते हो और यहाँ पर दोस्तों आपको लाखों के ग्रैंड कॉन्टेस्ट की फ्री एंट्री मिलने वाली है। तो भाइयों, लिमिटेड पासेस हैं, मैंने ले लिया है, तुम भी जाकर ले लो। ऐप का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहीं दोस्तों, दूसरा कारण यह है कि एमपीएल ऐप पर यहाँ पर फैंटेसी क्रिकेट में डेली विनिंग्स जो है 10 करोड़ रुपए है। तो आपके पास भी करोड़पति बनने का सुनहरा मौका है, आप भी जाकर फटाफट एमपीएल पर डेली विनिंग्स का मजा लो। अब दोस्तों, तीसरा कारण यह है कि एमपीएल पर आप 20 नहीं 30 नहीं बल्कि कुल 99 टीम्स क्रिएट कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, एमपीएल पर आप 99 टीमें बना सकते हो, बाकी किसी भी फैंटेसी ऐप पर आपको ऐसा चांस नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पर पिछले मैच में मैंने कुल 40 टीमें बनाई थी, आज के मैच में मैं जो है 41 टीमें बनाने वाला हूँ। जितनी ज़्यादा टीमें बनाओगे, जीतने के चांसेस भी उतने ज़्यादा बढ़ेंगे और उतने ही ज़्यादा पैसे कमाओगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि मैंने आज की टीम बना ली है और इसमें ऑलराउंडर मैंने ये लिया हुआ है, बैट्समैन ये हैं मेरे और बॉलर्स मेरे ये रहेंगे। तो दोस्तों, आप भी किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो, फटाफट जाओ अपनी टीम बनाओ और आज से ही एमपीएल पर खेलना स्टार्ट कर दो, ढेर सारे पैसे कमाओ। भाइयों, आरसीबी टीम को केकेआर के खिलाफ मैच में हार झेलनी पड़ी थी। आरसीबी टीम की बल्लेबाजी जो है इस मैच में बेहद ही खराब साबित हुई, जिससे आरसीबी टीम को इस मैच में हार मिली। बल्लेबाजों ने खराब प्रदर्शन किया। इस मैच में आरसीबी टीम ने हसरंगा और केएस भरत को डेब्यू करने का मौका दिया था, लेकिन ये दोनों ही खिलाड़ी जो है प्रभावित करने में नाकाम रहे। हालांकि आरसीबी टीम के इस मैच में कोई भी खिलाड़ी जो है अच्छा प्रदर्शन करने में नाकाम रहा। बल्लेबाज फ्लॉप साबित हुए, वहीं गेंदबाज भी जो है कुछ खास नहीं कर पाए, मात्र एक ही विकेट गिरा पाए थे। इसलिए भाइयों, आरसीबी टीम को इस मैच में हार झेलनी पड़ी। अब आरसीबी टीम यही चाहेगी कि इस प्रदर्शन को दोहराया ना जाए और आने वाले मैचेस में जीत हासिल की जाए। आरसीबी को अगला मुकाबला जो है चेन्नई के खिलाफ खेलना है, जो कि 24 सितंबर को होने वाला है। 24 सितंबर को ये मैच होगा, जिसे शारजाह में खेला जाएगा। शारजाह का मैदान काफ़ी छोटा है, यहाँ पर हाई स्कोरिंग मैचेस होते रहे हैं, तो ऐसे में देखना यह होगा कि यह मुकाबला जो है कितना रोमांचक होता है। एक तरफ होंगे कैप्टन कोल माही, तो वहीं दोस्तों दूसरी तरफ होने वाले हैं आरसीबी टीम के दिग्गज कैप्टन विराट कोहली। इसलिए भाइयों, ये मुकाबला जो है हमें कड़ा देखने को मिलने वाला है। वहीं दोस्तों, दोनों ही टीमें जीतना चाहेंगी इस मैच को, खासकर आरसीबी टीम चाहेगी कि इस मैच को जीत करके प्लेऑफ में जाने की उम्मीदों को बरकरार रखा जाए और प्लेऑफ की ओर जो है एक कदम और बढ़ा दिया जाए। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार इस मैच में बदलाव क्या हो सकते हैं, क्या चेंजेस आरसीबी टीम कर सकती है। तो भाइयों, यहाँ पर शारजहाँ के पिच के हिसाब से, मैदान के हिसाब से जो है आरसीबी टीम एक एक्स्ट्रा जो है यहाँ पर बॉलर खिलाएगी, क्योंकि यहाँ पर बॉलर जो है काफ़ी काम आते हैं। हालांकि बल्लेबाजी भी चाहिए यहाँ पर, लेकिन बल्लेबाजी में 2 या 3 बल्लेबाज सेट जाते हैं तो फिर बल्लेबाज जो है पूरा खेल के आते हैं, क्योंकि यहाँ पर हाई स्कोरिंग मैचेस होते रहे हैं, छक्के चौके यहाँ पर ज़्यादा लगते हैं। इसलिए आरसीबी टीम यहाँ पर एक मजबूत प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरना चाहेगी। गेंदबाज उनके अच्छे होने चाहिए और बल्लेबाज भी अच्छे होने चाहिए। वहीं भाइयों, अगर आरसीबी टीम चाहे तो इस मैच में टिम डेविड को मौका दे सकती है।
इसी एक ओवरसीज प्लेयर को बाहर निकाल के टिम डेविड जो है टीम में एंट्री मार सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कि मिडिल ऑर्डर आरसीबी टीम का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कमज़ोर नज़र आता है। अगर बाई चांस विराट कोहली, मैक्सवेल और एबी डिविलियर्स ये तीन जल्दी आउट हो जाते हैं तो आरसीबी टीम का मिडिल ऑर्डर जो है इनिंग्स को संभाल नहीं पाता है, वो तो पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। इसी चीज़ को देखते हुए टिम डेविड को जो है मिडिल ऑर्डर में लेके आया जा सकता है, क्योंकि वो एक तगड़े हिटर हैं और आरसीबी टीम के मिडिल ऑर्डर को पूरी तरह से संभाल सकते हैं। 6 या 7 नंबर पर आकर वो बल्लेबाजी करेंगे तो टीम के लिए वो तेज़ी से रन्स कर सकते हैं। इसलिए भाइयों टिम डेविड को अगले मैच में मौका दिया जा सकता है। वहीं शाहबाज अहमद भी एक अच्छा ऑप्शन है, जो कि अच्छी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन वो एक स्पिनर है तो ऐसे में शारजाह में स्पिनर्स की भूमिका कम हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर ग्राउंड्स काफ़ी छोटे हैं जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो यही सारे चेंजेस जो आरसीबी टीम कर सकती है अगले मुकाबले के लिए। आपके हिसाब से क्या चेंजेस होने चाहिए आरसीबी टीम में, आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वहीं दोस्तों आप भी आज से ही एमपीएल ऐप पर खेलना स्टार्ट कर दो। एमपीएल ऐप का आपको डेली 10 करोड़ जीतने का मौका दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों आप यहां पर बाकी फैंटेसी ऐप्स के मुकाबले कुल 99 टीम्स क्रिएट करके फैंटेसी खेल सकते हो। तो भाइयों सुनहरा मौका है आपके पास ढेर सारे पैसे कमाने का। एमपीएल पर आज से ही खेलना स्टार्ट कर दो। आपको नीचे लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।